हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की टिप। आज हम आप लोगों के साथ भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का अध्यक्ष होगा तथा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में प्रावधान करता है। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है 35 वर्ष। देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ हमारे संविधान में कुछ योग्यताएँ, कुछ अर्हताएँ, एलिजिबिलिटी दी गई है, जो इस प्रकार है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह पागल अथवा दिवालिया ना हो, वह 35 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा वह भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। तो इस प्रकार राष्ट्रपति चुने जाने के लिए जो न्यूनतम योग्यता, न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष है, लेकिन अधिकतम कोई भी आयु सीमा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्धारित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किस सदन का सदस्य होने की चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। यहाँ एक ही ध्यान रखेंगे, वह लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, उसके पास केवल लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना है? भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन 5 लाख रुपए है, जो भारत की संचित निधि या समेकित निधि से दिया जाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पूर्व भी वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर के पदमुक्त हो सकता है अथवा राष्ट्रपति के खिलाफ संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग का प्रस्ताव लाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 वर्ष का होगा, किंतु 5 वर्ष से पूर्व भी 2 आधारों पर हटाया जा सकता है या हट सकता है। पहला, वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दे। एक चीज ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तथा दूसरा, यदि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। इसका राइट आंसर होगा ये तीनों, ये सभी। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी एवं जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य, संसद एवं विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस वर्ष की जनगणना को आधार वर्ष माना गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में 1971 की जनगणना को आधार वर्ष माना गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन में ब्रिटेन का जो सम्राट या जो महारानी होती है वो वहाँ का सांकेतिक प्रधान होती है, उसी के समांतर भारत में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है।
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो उसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो चलाई जाती है उस प्रावधान का उल्लेख संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किस आधार पर हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जा सकता है। इसको ध्यान रखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 61। संविधान के अनुच्छेद 61 पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लाया जा सकता है। ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति एवं संसद को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाती है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर संसद के किसी भी सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा एक प्रतिवेदन के रूप में प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। उसके पश्चात इस प्रस्ताव को किसी भी सदन में लाया जाए। जिस भी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा यदि वह सदन अपने विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो उस सदन में इस प्रस्ताव को पारित मान लिया जाता है। उसके पश्चात दूसरे सदन में इस प्रस्ताव को भेजा जाता है। यदि दूसरा सदन इस प्रस्ताव की जांच करता है, यदि वह जांच सही पाता है और वह भी अपने विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित मान लिया जाता है। अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई है, इसको ध्यान रखेंगे। अब यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने से कितने दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाती है? तो ध्यान रखेंगे 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने से पूर्व राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव कम से कम कितने संसद सदस्यों द्वारा लाया जाता है? तो 1/4 सदस्य। प्रस्ताव लाने के लिए जो प्रस्ताव एक प्रतिवेदन के रूप में होगा उसमें कम से कम 1/4 सदस्य इस प्रस्ताव को लेकर जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में सर्वप्रथम लाया जा सकता है? तो किसी भी सदन में, लोकसभा अथवा राज्यसभा, चाहे वो पहला सदन लोकसभा भी हो सकता है अथवा राज्यसभा भी हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जो राष्ट्रपति निर्वाचन में तो भागीदार है किंतु राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भागीदार नहीं है? तो विधानसभा। विधानसभा जो है वो राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेता है किंतु राष्ट्रपति को हटाने के लिए जब महाभियोग का प्रस्ताव आ जाता है तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में वह शामिल नहीं होता है। यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त हो जाए तो उसे कितने समय के भीतर भर लिया जाना चाहिए? तो 6 माह। अब ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 62 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त हो जाए, अब आकस्मिक रिक्ति में राष्ट्रपति का देहांत हो जाए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंप दे, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाए, तो इन तीनों चीजों को आकस्मिक रिक्ति माना गया है। ऐसे समय में राष्ट्रपति का पद तुरंत रिक्त हो जाएगा और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद को 6 माह के भीतर भर लिया जाना चाहिए। तब तक राष्ट्रपति पद को भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक रूप से संभालेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के पद को कार्यवाहक रूप से संभालेगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी आयु में वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को कार्यवाहक रूप से संभालता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के रिक्त पद को उपराष्ट्रपति एवं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के रिक्त होने की स्थिति पर कौन संभालेगा? तो उच्चतम न्यायालय की का आयु में वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रिक्त पद को संभालेगा। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस पद को उपराष्ट्रपति संभालते हैं। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालते हैं। यदि वह पद भी रिक्त है तो उच्चतम न्यायालय का कोई भी आयु में वरिष्ठ न्यायाधीश उस पद को संभालेगा। संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान? और संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। एक चीज ध्यान रखेंगे, संविधान का भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है जिसका जो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक है, विस्तृत है। एक चीज ध्यान रखेंगे, संविधान का सबसे बड़ा भाग अगर पूछता है तो संविधान का सबसे बड़ा भाग है
भाग 5 जो अनुच्छेद 52 से 151 तक विस्तृत है, और इसी में ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, संसद, संसद की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कैग का उल्लेख किया गया है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के इस सेशन का आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, देश का पहला गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, तथा इसका सही उत्तर हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।